केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के बाद कभी मैं खत लिखता नहीं, आज तक कभी लिखा नहीं, लेकिन ये सामाजिक प्रश्न होने के कारण एक शराब की रणनीति पॉलिसी एक गलत बनाई जिसमें महिलाओं को तकलीफ होगा, समाज में प्रदूषण बढ़ेगा और हमारी युवा शक्ति जो राष्ट्र शक्ति है वो युवा शक्ति बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने बोल उसको लिखा। देखो जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं, जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे, तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया, अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया, अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, जनता इनकी बात नहीं मान रही, अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब सीबीआई की जांच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला, अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो दिल्ली के अंदर 20-20 करोड़ रुपए देके ये एमएलए खरीदना चाहते थे उसकी जांच होनी चाहिए। जब हम जांच से नहीं भागे, हमें जांच से डर नहीं लगता क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो ये जांच से क्यों भाग रहे हैं, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना भाई। 20-20 करोड़ रुपए में 40 एमएलए खरीदना चाह रहे थे, 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे, उसकी जांच से क्यों भाग रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे। सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है, मनीष जी के घर पे भी 14 घंटे जांच हुई, मनीष के घर में भी कुछ नहीं निकला, मनीष जी से 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की सीबीआई ने, जितने प्रश्न पूछे सब प्रश्नों के संतुष्टिपूर्वक जवाब दिए, आज लॉकर चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं निकला, तो एक तरह से इनफॉर्मली तो एक तरह से सीबीआई की क्लीन चिट मिल गई है। बाकी सीबीआई के ऊपर प्रेशर है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, हमें लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर गिरफ्तार तो करेंगे ये लोग, लेकिन वो करते रहे, लेकिन एक तरह से कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने इनफॉर्मली कह दिया भाई हम संतुष्ट हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया जी को। तो हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये सारी जितनी भी कार्रवाई चल रही है राजनीति से प्रेरित है और इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आरोप क्या है, आरोप ये है कि भाई इन्होंने सरकारी स्कूल इतने ज़्यादा क्यों बनाए, तो भाई ज़्यादा बनाए ये तो अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं इन्होंने स्कूलों के अंदर इतने ज़्यादा क्लासरूम क्यों बनाए, तो ज़्यादा क्लासरूम बनाए तो कोई खाली तो है नहीं, जाके देख लो अभी भी सारे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई मेरी फैमिली रह रही है किसी क्लासरूम में। फिर कह रहे हैं कि वहाँ पर टॉयलेट क्यों बनाए इतने ज़्यादा, तो टॉयलेट बनाए भाई हमारी बच्चियाँ बेटियाँ वहाँ पे तकलीफ़ ना हो, किसी को बच्चों को तकलीफ़ ना हो, टॉयलेट्स बनाए। फिर ये कह रहे हैं भाई क्लासरूम्स के अंदर इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट लेने की क्या जरूरत थी, डिजिटल बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी, इतने शानदार डेस्क बनाने की क्या जरूरत थी, गरीबों के ही तो बच्चे आते हैं वो सस्ते में पढ़ लेते, तो हम तो अपने गरीबों के अमीरों के सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हमें तो लगता नहीं हमने कोई गलत काम किया है, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, सब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अमीरों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिले, गरीबों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिले। अब आप एमसीडी के स्कूल देखो, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा एमसीडी के स्कूलों का, अब हमारी एमसीडी में भी सरकार आएगी, एमसीडी के स्कूलों को भी अच्छा करेंगे।